Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? यानी कि गर्म चाय या दूध अगर हमें सॉसर में सर्व किया जाए तो हम उसे इजीली पी सकते हैं, लेकिन अगर कप में दिया जाए तो गर्म चाय या दूध पीने के लिए मतलब थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि वो गर्म रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? सॉसर में देने से हम गर्म चाय या दूध भी क्यों पी सकते हैं लेकिन कप में देने से हम डायरेक्टली क्यों नहीं पी सकते? तो आंसर देखिए, व्हेन वी पुट हॉट टी और मिल्क इन अ सॉसर इट गेट्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर इवापोरेशन एंड हेंस इवापोरेट्स फास्टर मेकिंग इट समवट कूल बट अ कप हैज़ अ स्मॉल सरफेस एरिया कंपेयर टू अ सॉसर सो इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम टू इवापोरेट एंड मेक इट कूल फॉर दिस रीजन वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। यानी कि अगर हमें सॉसर में सर्व किया जाए, मान लीजिए ये एक सॉसर है, तो इसका जो सरफेस एरिया है आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है, तो इससे इवापोरेट जल्दी होगा क्योंकि इस पार्ट से भी इवापोरेट होगा, इस पार्ट से भी होगा, इस पार्ट से सॉसर के हर एक ओपन पार्ट से जो गर्म चाय या मिल्क है वो इवापोरेशन होगा, और ज़्यादा सरफेस एरिया मिलने की वजह से हर एक पार्ट से इवापोरेशन हो रहा है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर एक कप दिया जाए आपको तो कप का जो छोटा एरिया होता है उससे इवापोरेट होने में टाइम लगता है, मतलब छोटे एरिया से कम कम इवापोरेशन होगा, राइट? तो इसमें तो बहुत हर एरिया से इवापोरेशन हो रहा है, इसमें भी हर एरिया से हो रहा है लेकिन ओपन एरिया बहुत छोटा है, तो इसलिए सॉसर का जो चाय या दूध रहता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि उससे सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, लेकिन कप में टाइम लगता है ठंडा होने के लिए क्योंकि उसका ओपन सरफेस एरिया कम रहता है। तो इसीलिए हम एक सॉसर से गर्म चाय या दूध जल्दी पी सकते हैं लेकिन एक कप से पीने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड।